डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा से मुख्य परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए बड़ी खबर है। लगातार छात्र कमेंट कर रहे थे, पूछ रहे थे कि जिन छात्रों का अभी तक री एग्जाम का रिजल्ट नहीं आया है वो छात्र थर्ड ईयर का फॉर्म कैसे भर सकते हैं। वहीं मैं आपको बता दूं कि विश्वविद्यालय ने 12 जुलाई से परीक्षा कराने की मंशा बना ली है और वहीं डेटशीट भी जारी कर दी है। आप डेटशीट को विश्वविद्यालय की वेबसाइट dbru.ac.in पर जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि छात्र ये पूछ रहे थे कि उन छात्रों का कैसे फॉर्म भरा जाएगा जिन छात्रों ने री एग्जाम दिया है, क्योंकि 12 तारीख से परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, समय कम रह गया है। इन सारे सवालों को लेकर आज मैं विश्वविद्यालय आया और यहाँ पर विश्वविद्यालय के कंट्रोलर डॉक्टर ओम प्रकाश जी से मेरी इस मामले में बात हुई। उन्होंने बताया कि छात्रों को घबराने की कोई बात नहीं है, छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया जाएगा। विश्वविद्यालय एक बार फिर से जो है फॉरम के लिए साइट को खोलेगा। चलिए सुनते हैं विश्वविद्यालय कंट्रोल डॉक्टर ओम प्रकाश जी को। जिन बच्चों के मुख्य परीक्षा के फॉर्म अब तक भरे नहीं है, काफी परेशान है बच्चे, उनके लिए सर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उनका जो पोर्टल एक बार जो है पुनः जो खोला जाएगा और वो डेटा हमारी पूर्व एजेंसी से लिया जाना है, जैसे ही जो ट्रांसफर हो जाएगा तो उनको उनके फॉर्म जो खुल जाएंगे। सर कुछ सेकंड ईयर के बच्चे हैं बीएससी के, उनके भी परीक्षा कराए जाएंगे? हाँ, एक्स के बच्चे उनकी परीक्षा जो कराई जाएगी। सेकंड ईयर जो बच्चे इस बार सेकंड ईयर की परीक्षा देने वाले कुछ फेल हो गए थे? हाँ, वही ऐसे बच्चे जो एक्स के हैं उनकी जो परीक्षा जो कराई जाएगी। उनका अभी जो है नोटिफिकेशन जो है एक दो दिन में कर दिया जाएगा। तो मेरा आखिरी